और जल्दी उठा था तो मैंने सोचा क्यों ना जिम जाया जाए, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाई जाए भाई। हर्षा यार एक ब्लॉग नहीं होता मेरे से, बता 25 बार तो एक लाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, पता नहीं इतना सोच सोच के क्यों बोलता हूँ। हाँ जी हाँ जी, क्या हाल चाल। आई विश कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और सबसे बड़ी बात की भाई सभी को गुड मॉर्निंग। देखो गुड मॉर्निंग इसलिए कि भाई 3-4 दिन से मैं कुछ ज्यादा जल्दी उठ रहा हूँ और इतनी जल्दी उठने की आदत है नहीं, तो थोड़ा एक्साइटमेंट में तो आई जा रहा है। और जल्दी उठ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना जिम जाया जाए, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाई जाए। लेकिन यार 1-1.5 हफ्ते से जा रहा हूँ, बॉडी तो बन नहीं रही। तो बॉडी नहीं बन रही तो क्या ब्लॉग तो बना सकते हैं ना भाई। जैसे ही मैंने कहा ना कि मैं जिम का ब्लॉग बनाऊंगा आज, तो ये इसे देख रहे हो, इसे तैयार होके पता नहीं कहाँ के लिए तैयार हो रखी है। मैंने ऐसे ही बोला कि भाई मैं आज जिम का ब्लॉग बनाऊंगा, ये 8-8 बजे उठने वाले, देख रहे हो 8-8 बजे, 9-9 बजे उठते हैं ये लोग। लेकिन इसको पता चला कि भैया जिम का ब्लॉग बना रहे हैं, भाई सुबह 4:30-5 बजे से उठ के बैठी है कि कब जाते भैया करके। आज मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ वैसे ही, और यार जल्दी उठ के तैयार होके बैठी अभी तक। बेसनी चल ठीक है, मेरे को वैसे भी कैमरामैन की जरूरत पड़ेगी, चल रिकॉर्ड करेगी तू अब। अरे बेटी पुष्पा चलानी नहीं आती क्या, साइकिल कैसे चला रही हो? तो गाइज अपने पुष्पक विमान पे सवार होके मैं जा रहा हूँ जिम की तरफ। जो ये मेरा पुष्पक विमान है ये वाला, ये है 2014 मॉडल और मम्मी पापा ने दिलवाई थी भाई, और देखो आज तक संभाल के रखी है मैंने। और आज मेरे साथ सरस भी जा रही है। चलो कैमरामैन का काम तो कर लेगी वो, इसलिए ले जा रहा हूँ मैं उसको, ठीक है पहला दिन है उसका आज। क्या है स्टैमिना के लिए रहता है ये? अच्छा 15 रुपए का मिलता है, मैं यही यूज करता हूँ प्री वर्कआउट में, ये वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत कम है, बहुत रेयरली मिलता है, ये दुकान में मिलता है ये। हर रेलवे स्टेशन में मिलता है ये? नहीं तू रेलवे स्टेशन से लेके आए? नहीं भाई मैं बहुत देर से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे गाने बजा रखे ना इन्होंने, सिद्धू मूसेवाला के और वो ठुकरा के मेरा प्यार, भाई वो चल रहा है नीचे ऐसा गाना, तो अब ऐसे गाने पे तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता था, मतलब कर तो लेता लेकिन कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने कहा चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। इन दोनों ने तो रनिंग शुरू कर दी है, अब मेरी बारी, अब मैं भी जा रहा हूँ। ये कमल लड़के कैसे दौड़ते हैं और लड़कियां? ये देखो जिम में आने के बाद भी फोन चला रही, बताओ कुछ ही नहीं कैसे अभी तक। वैसे नहीं यार सरसास दौड़ी भाई, 35-40 मिनट दौड़ी है। तो दोस्तों अगर जिंदगी में आप भी भाग रहे हो और अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो समझो कि आप ट्रेडमिल पर हो, मतलब वर्कआउट। भाई देखो रनिंग में ना तुम किसी को भी बीट कर सकते हो, कमल को नहीं कर सकते हो, ये पिछले 1.5 घंटे से दौड़ रहा है। वैसे छोले भटूरे खाने चलेगा? चलेंगे, ये तो ये सबसे लास्ट में प्री वर्कआउट है, विद प्री वर्कआउट नहीं पोस्ट वर्कआउट, वर्कआउट के बाद का पोस्ट वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट हुआ विद रायता। अच्छा रायता भी, रायता चटनी लेना मत भूलिए, प्याज और गाजर का अचार। देखो भाई लोग जिम आते हैं बॉडी वॉडी बनाने, ठीक है मस्त एकदम फिट रहने, छोले भटूरे ऐसे लेके खाना। और हम लोग आते हैं कि हम जिम इसलिए करते हैं ताकि हम लोग बाद में छोले भटूरे फास्ट फूड वगैरह खा सके। yes. और ये सबसे बेस्ट चीज है भाई जिम करने का, बॉडी बने ना बने लेकिन आप फास्ट फूड वगैरह छोले भटूरे वगैरह खा सकते हो। अरे फ्लेक्स कर रहा है, फ्लेक्स ये कर, एक और फ्लेक्स, फ्लेक्स भाई देखा लेग्स, देख लो लेग्स। मैं कह रहा हूँ ना ये बंदा, अगर मैं भाई मेरी नजरों में सबसे अच्छी रनिंग कोई करता है, सबसे लंबी रनिंग कोई करता है तो वो कमल है। बताओ कमल अपने थाई दिखा रहा, पैर दिखा रहा, भाई दिखा तो मैं भी सकता हूँ, मैंने लोअर पहन रखा है बस, और वो इसलिए पहन रखा है, वैसे मैं रोज तू बार बार वीडियो में आ जा। अब मुझे पता है तू अच्छा है भाई। तो मैं बता रहा हूँ कि वैसे मैं भी ना शॉर्ट्स में ही करता हूँ रनिंग वगैरह, बट यार आज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पैरों में ना कुछ ज्यादा ही बाल है, मतलब घुटने पे बाल है मेरे, किसी इंसान के होते हैं घुटने पे मेरे, बताओ लेग्स मेरे बने हुए हैं लेकिन दिखाता नहीं हूँ मैं, नजर लग जाती है। तो कोई नहीं किसी दिन वैक्स वैक्स कराऊंगा भाई, तू वीडियो में पहले तू आ वीडियो में। हाँ बता क्या कर रहे हैं? मुझे फुटेज ले रहा था अच्छी खासा, बार बार वीडियो में घुस जाते हैं। देखो इससे साबित होता है कि इंसान के पूर्वज बंदर थे। इधर आ इधर,
वो देख सुबह सुबह पार्क में नहीं आती आंटियां ऐसे करती हो ऐसे मतलब फैली फैली सी आंटियां। देखो दोस्तों जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन है ये पूरा कार्डियो का और रनिंग का सेक्शन है। इधर साइकिलिंग भी कर सकते हो आप। नीचे जो है इसके जस्ट नीचे वहाँ पे आपका डंबल वगैरह है और वेट लिफ्टिंग का है। और जो सामने दिख रहा होगा आपको वो किधर है, ये वो है डांस क्लासेस, वहाँ पे आप जुम्बा वगैरह डांस वगैरह कर सकते हो। तो अभी आपको दिखा रहे हैं हम डांस क्लासेस। ये हमारे डांसर भी हैं अंदर दो। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा डांस करेंगे, आता नहीं है लेकिन जैसा तैसा आता करेंगे भाई। लगाओ करो ऑन। तो अभी अब सरस की बारी है और सरस पता नहीं अपना कौन सा गाना ढूंढ रही है। देखो गाइस हमारा हो गया डांस सेशन खत्म और अब हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा वेट वेट मारते हैं, लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं। एक ये बंदा भाई पिछले आधे घंटे से हर वीडियो में फुटेज लेने इसे, अब तूने वीडियो शेयर नहीं करी ना अपने दोस्तों में, फिर बताऊंगा तेरे को, हर जगह घुस जाता है छोटा सा चूहा सा। बाकी कुछ भी को भाई कमल डांस अच्छा करता है, इतना तो मैंने देख लिया, मतलब थोड़ा सा करता है लेकिन अच्छा करता है, स्टेप अच्छे करता है। तो गाइस लेग्स की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अब भाई पैर लड़खड़ाने लग गए मेरे, जुबान भी लड़खड़ा रही है, बताओ पैर तो लड़खड़ा ही रहे हैं, तो एनर्जी तो है क्या, चल उठ रहे चले ये, अब एनर्जी चाहिए तो भाई देखा नाम छोले भटूरे का नाम सुनते हैं एनर्जी आ गई। तो अब हमने जितनी भी कैलोरी बर्न कर रखी है अब उसको हम वापस लाएंगे छोले भटूरे खा के, और बस समझ ही गए होंगे कि बॉडी क्यों नहीं बन रही है, जिम आती है इसलिए ईट छोले भटूरे स्टे हेल्दी, आ भी नहीं रहा मेरे भाई, शब्द नहीं आ रहे मुझसे, अब थकान होगी, बट बॉडी नहीं बन रही तो क्या, ब्लॉग तो बन रहा है ना। तो भाई जब हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने, भाई जितनी कैलरी बर्न कर रखी है वो वापस भी तो लानी है, तो अब आएगी हमारी छोले भटूरे खा के, ठीक है एनर्जी वापस लानी हमने। ये सबसे मेन है स्टार्ट है, अनबॉक्सिंग यहाँ से होती है। अच्छा किसकी, भटूरे की अनबॉक्सिंग? नहीं ये वे प्रोटीन। ओए सरस कैसे लगे तेरे को छोले भटूरे, मजे आ गए? मजे आए भाई, रवि भैया के छोले भटूरे ना मेरठ में वर्ल्ड फेमस है समझो, मतलब अभी मेरे को कोई बोले ना दोबारा जिम कर, दोबारा वर्कआउट कर, मैं कर लूँगा, उतनी ताकत है। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, उसके बाद शाम को क्रिकेट खेलने भी जाना होता है अकेडमी की तरफ। भाई जिम से घर आने के बाद लोग प्रोटीन पीते हैं, हेल्दी डाइट खाते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ भाई, मेरा प्रोटीन चाय है यार, बताओ 10 रुपए के दूध का, एनर्जी तो आती है इससे भी। देखो जिम जाने का एक प्लस पॉइंट बताता हूँ कि अगर आप कभी भी जिम जाते हो या योगा व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करते हो तो आप फिजिकली तो फिट होते ही हो, लेकिन उससे पहले ना मेंटली फिट होते हो, मतलब ये जितना भी स्ट्रेस वगैरह डिप्रेशन वगैरह भाई सब खत्म होता है, करा करो बहुत सही चीज़ है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ मैं, और
ऐसी ज्ञान भरी बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।